आज के मेहनत मैच है वकार, इसमें बेस्ट जो आज का बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल है, इसमें 5,000 रुपया कैश प्राइज है उनके। हमारे केबल के फरहान 5,000 रुपये का। आमिर केबल के इमरान मानी, फैसल मिर्जा, जाफर कुरैशी उमर एसोसिएट, और यहीं से मैं साथ ही आनंद उजाल पर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज यहां पर आए तो अपने ख्याल कर लूजिंग टीम को बहुत अच्छा खेली है, फाइनल में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो लेकिन आमिर केबल आज बहुत अच्छा खेली है तो वो जीती है, जो डे पे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपने उमर एसोसिएट जैसी टीम को हरा के ये फाइनल में आ पाए। और ये आज की जो विनिंग ट्रॉफी है ये मैं आशिक भाई के नाम डेलीगेट करता हूँ, और अपनी टीम के लिए भी डबल प्राइज अनाउंस करता हूँ, और बिलाल खिलजी के लिए भी 10,000 रुपया। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आला मकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब टीमों का शुक्रिया, और जो आज तक खेल जाए, ये हमारा टूर्नामेंट नंबर है 105, और आज जो मैच खेला गया है ये मैच नंबर है 5202 अलहम्दुलिल्लाह। तो इतनी सी बात बतानी थी, और इसके लिए मैं सलाम करूँगा सबसे पहले फवाद एजाज खान को जिन्होंने इसका बीज रखा और हमें अपने साथ मिलाया, और उसके बाद आशिक कुरैशी और उनकी टीम, और आमिर इलियास भट्ट अब जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम उनकी भी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे कि आमिर भाई ने जिस तरह से काम किया, और इसका इसका सारा सेहरा जाता है वेटरन एसोसिएशन को, चाहे उसमें पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान वेटरन हो, तो ये सलाम है, तो वेटरन क्रिकेट को सलाम है, जिसकी वजह से हम आप सारे दोस्त इकट्ठे हैं। शुक्रिया बहुत। कैश प्राइज है वो हसीन अबीब के फवाद बारी साहब को दें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूं, और आज की 21वें नेशनल फाइनल की फातह टीम अमर केबल के कप्तान वकास, यहां पर मैं एक बात उनकी टीम से कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी मेहमानदारी की, अगर कोई कोताही हो गई हो तो हमारे नहीं। सबसे पहले तो आमिर केबल्स की टीम को मुबारकबाद कि आज वो फाइनल के फातह करार पाए। ये हमारा 21वां नेशनल सीनियर्स कप है, अभी तक जो 21 मैचेस हुए हैं उसके स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि कराची 10 दफ़ा जीती, लाहौर 10 दफ़ा जीती है, और एक मैच टाई हुआ है। तो एक मैच जो टाई हुआ था वो नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था, और 10-10 की फिगर अब बैलेंस बराबर हो गया दोबारा। और इस टूर्नामेंट में यहाँ जो सदर्न जोन के मैचेस हुए हैं, यहाँ हमारी 8 टीमें थी, और पंजाब नॉर्दर्न जोन से हमारी इस टूर्नामेंट में 50 टीमें खेली हैं, जिसमें से ज़्यादा टोटल टीमें 58 हो गई पूरे टूर्नामेंट की, और ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल 20-22 लाहौर की टीमें थी, सियालकोट से 15-16, गुजरात, गुजरांवाला, वाह, इस्लामाबाद वगैरह। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी इससे पहले हमारी टीमें कोई 100 के करीब चली आया करती टीमें, इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो है वो केपी की और कुछ पंजाब के एरियाज नहीं खेल सके, और मैं ये कहूँगा कि आशिक कुरैशी साहब की कमी मुझे तो खास तौर पर बड़ी महसूस हुई है, क्योंकि मैंने भी बड़ी कोशिश की आखिरी वक्त तक कि आमिर साहब से भी बातचीत रहती थी कि केपी के वाले भी खेलें ये खेलें, मगर कुछ वजूहत की वजह से वो नहीं खेल सकी, और इंशाल्लाह अगले साल दोबारा टीमें जैसे पहले होती थी वैसे ही होंगी। और जैसे जिक्र हुआ कि आशिक साहब की कमी महसूस होती है, मुझे तो खास तौर पर बड़ी होती है, यहाँ पे 2 साल पहले जब फाइनल हुआ था उसमें आशिक आए हुए थे, और काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, और वो आमिर इलियास भट्ट साहब ने अब वो जो कर रहे थे आशिक वो आमिर साहब कर रहे हैं, और माशाल्लाह फिलहाल अच्छा कर रहे हैं, मगर ये भी खुद कहते हैं कि मैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहा जो आशिक करते थे, मगर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हमारी क्रिकेट बेहतर होगी,
हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स आने वाले हैं। इस साल हम अक्टूबर में ओवर 60 की वर्ल्ड कप हो रहा है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब 60 की टीम बना दी है हमने, तो आप भी देखें नॉर्थ से 60 है। और फिर हमारा जो केप टाउन का जो वर्ल्ड कप कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो वो अब वर्ल्ड कप नेक्स्ट मार्च में है ओवर 50 का, तो वो भी करीब आने वाला है, उसकी भी इंशाल्लाह तैयारी हो रही है। और आखिर में मैं हसीन अबीर साहब की टीम को मुबारकबाद इससे दूंगा कि फेवरेट टीम जो है उमर एसोसिएट्स की टीम को हराया। और वैसे अगर नाम देखे जाए, अगर उमर एसोसिएट्स के नाम देखिए और हसीन अबीर के देखें, तो सारे स्टार वहाँ नजर आते हैं उमर एसोसिएट्स में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी टीम होगी हसीन अबीर, काफ़ी आपका आपस में जल होगा टीम का और कि आप यहाँ तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनल जो होगा नेशनल फाइनल अब पंजाब में होगा अगले साल। और विश ऑल द बेस्ट बट साहब, थैंक यू सो मच।